दोस्तों हाल ही में पुष्पा मूवी रिलीज हुई है जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है, साथ ही ताबड़तोड़ कमाई भी कर ली है। इस फिल्म में हमें नए कॉन्सेप्ट के साथ साथ नए दमदार कलाकार भी नजर आए थे, जिन्होंने अपने किरदार में अपनी एक्टिंग और अपनी अदायगी और अपने एक्सप्रेशन से दर्शकों को दीवाना बना दिया था। तभी तो दर्शक पुष्पा मूवी में नजर आए कलाकारों के दीवाने हो गए हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पुष्पा मूवी में नजर आए कलाकारों से पहले कई और कलाकार को पुष्पा मूवी में काम करने के लिए अप्रोच किया गया था, पर इन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। जिस ऑफर को ठुकराने के बाद अब वो सोच रहे होंगे कि फायर को फ्लावर समझ लिया। तो आखिरकार वो कौन कौन से सितारे हैं जिन्होंने पुष्पा मूवी के ऑफर को ठुकरा दिया है, आइए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो के जरिए। नंबर वन, सामंथा रूट प्रभु। इस लिस्ट के पहले नंबर पर बात करते हैं अभिनेत्री सामंथा रूट प्रभु के बारे में। तो आपको बता दें, सामंथा रूट प्रभु को पुष्पा मूवी में श्रीवल्ली के किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, पर इन्होंने श्रीवल्ली के किरदार को निभाने से मना कर दिया क्योंकि ये किरदार इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। पर आज अभिनेत्री सामंथा श्रीवल्ली के किरदार को ठुकरा कर पछता रही हैं, क्योंकि श्रीवल्ली के किरदार को निभाकर रश्मिका मंदाना आज काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है। नंबर टू, महेश बाबू। अब बात करते हैं साउथ इंडस्ट्री के हैंडसम एंड टैलेंटेड अभिनेता महेश बाबू के बारे में। तो आपको बता दें, इन्हें पुष्पा फिल्म में पुष्पराज के किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, पर वो इस किरदार के लिए अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्साइटेड नहीं थे और उन्होंने इसी वजह से पुष्पराज के किरदार को निभाने से मना कर दिया। पर आज अभिनेता महेश बाबू अपने किरदार को ठुकरा कर पछता रहे हैं, क्योंकि अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पराज के किरदार को निभाकर काफी ज्यादा मशहूर हो गए हैं। नंबर थ्री, नोरा फतेही। अब बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री नोरा फतेही के बारे में। तो आपको बता दें कि इन्हें भी पुष्पा फिल्म में आइटम सॉन्ग के लिए अप्रोच किया गया था, पर इन्होंने मेकर से ओ अंटावा गाने के डांस के लिए मोटी रकम की डिमांड की थी, जिसे पूरा करने के लिए मेकर्स ने इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से नोरा फतेही ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया और आइटम सॉन्ग के लिए अभिनेत्री सामंथा रूट प्रभु को अप्रोच किया गया। पर आज अभिनेत्री नोरा फतेही आइटम सॉन्ग को मना करने के बाद पछता रही है। नंबर फोर, विजय सेठुपति। पुष्पा फिल्म में अभिनेता विजय सेठुपति को पुलिस ऑफिसर भंवर सिंह के किरदार को निभाने के लिए अप्रोच किया गया था, पर इनके पास डेट्स की कमी थी, जिसकी वजह से इन्होंने इस किरदार को निभाने से मना कर दिया और ये किरदार अभिनेता फहाद फैजल की झोली में आकर गिरा। लेकिन इसे इनकार करके आज ये खूब पछता रहे हैं, क्योंकि अभिनेता फहाद फैजल अपने पुलिस ऑफिसर के किरदार को निभाकर काफी मशहूर हो गए हैं। नंबर फाइव, अक्षय कुमार। इस लिस्ट की आखिरी कड़े में नाम शुमार होता है बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाड़ी कुमार यानी कि अभिनेता अक्षय कुमार का, जिन्हें भी पुष्पा फिल्म में पुष्पराज के किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, पर इन्होंने इस किरदार को निभाने से मना कर दिया क्योंकि ये कई और प्रोजेक्ट को साइन कर चुके थे। साथ ही फिल्म में इन्हें एक ऐसे शख्स का किरदार अदा करने के लिए सिलेक्ट किया गया था जिनका एक कंधा नीचे से होता है, जिस किरदार के लिए ये कंफर्ट नहीं थे, इसलिए इन्होंने भी इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था, जो कि इनके लिए आज किसी बड़ी भूल से कम नहीं है। वेल दोस्तों, अगर अभिनेता अक्षय कुमार पुष्पा फिल्म में पुष्पराज के किरदार को निभाते तो क्या ये फिल्म इतनी सुपरहिट जाती जितना कि अल्लू अर्जुन की वजह से गई है? अगर हाँ तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।